पिछले वीडियो में हमने जाना था एनएस में यानी कि नॉर्मल सलाइन में कौन से इंजेक्शन मिक्स करने चाहिए और कौन से इंजेक्शन नहीं मिक्स करने चाहिए। अपने इस वीडियो में जानेंगे डीएनएस में कौन से इंजेक्शन मिला के पेशेंट को लगाए जाते हैं, यानी कि बोतल में कौन से इंजेक्शन डाले जाते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है पिछला वीडियो, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कॉमन इंजेक्शन यूज होते हैं जनरल प्रैक्टिस में, आप सभी लोग जानते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे सेप्ट्राजोन होता है, सिपोपराजोन होता है, जेंटामाइसिन होता है, एमिकासिन होता है, तो कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। इसके अलावा एमबीआई होता है, जैसे कि मल्टी विटामिन इन्फ्यूज़न आता है, बी कॉम्प्लेक्स आते हैं, पॉलीबियान, न्यूरोबियान, इस तरह के इंजेक्शन होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हो गए, एमबीआई हो गया, और जो एसीलॉक होता है, एक तरह से एंटासिड होता है गैस वेस को कम करने के लिए, इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और ये एक पेंटॉप हो गया, पेंटॉप जो होता है, पीपीआई होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ये भी गैस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगला हमारा इंजेक्शन है इमसेट। जो इमसेट होता है इसमें ऑंडेस्ट्रॉन होता है। अगर पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन है, उल्टियाँ हो रही हैं, डायरिया हो गया है, लगातार दस्त आ रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा हो गया डेक्सामेथासोन। जैसे कि डेक्सा होता है, एक तरह का स्टेरॉयड होता है, इसका भी इस्तेमाल जनरल प्रैक्टिस में किया जाता है। और एविल हो गया, एक तरह से एंटी एलर्जिक होता है, इसमें क्लोरफेनिरामाइन, मेलनफेनिरामाइन होता है, तो इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जनरल प्रैक्टिस में। और इन्हीं इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, इनमें से कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो डीएनएस में मिला के दिए जा सकते हैं और कौन से इंजेक्शन मिला के डीएनएस में नहीं दिए जा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे डीएनएस होता क्या है और इसके यूजेस क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसको दिया जाता है। डीएनएस दोस्तों होता है क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड यानी कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे नमक होता है, चीनी होता है, ये क्रिस्टल्स होते हैं, इसको अगर पानी में मिला दिया जाता है इसको क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। तो पानी के घोल में नमक या चीनी मिला देंगे तो वो क्रिस्टलॉइड हो जाएगा, तो इसी तरह से ये डीएनएस होता है। इसमें डेक्सट्रोज होता है 5% और इसमें सेलाइन होता है, नॉर्मल सेलाइन 0.9% होता है। तो इसी तरह से ये मिक्स किया जाता है, डेक्सट्रोज और नॉर्मल सेलाइन को एक सल्यूशन बनाया जाता है। सल्यूशन इंडिकेशन यानी कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। मेंटेनेंस सल्यूशन यानी कि अगर पेशेंट को मैनेज करना होता है, हॉस्पिटलाइज है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर एनर्जी का लॉस हो गया है, डेक्सट्रोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें एनर्जी होती है और एनर्जी का लॉस हो जाता है, तभी यूज़ किया जाता है। और ये जो डीएनएस होता है कंपैटिबल विद ब्लड होता है, यानी कि ब्लड के साथ कंपैटिबल होता है, इसको आसानी से आईवी दे सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई है, या फिर ऑपरेशन के दौरान सर्जरी होती है, तब ब्लड का लॉस हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, ब्लड एंड फ्लूड लॉस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कहाँ यूज़ करते हैं, इसको डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन हाइपोग्लाइसोमिया, इसका मीनिंग है दोस्तों, अगर किसी का मान लीजिए शुगर का पेशेंट है और उसको इंसुलिन लग रहा है, डायबिटीज़ की दवा चल रही है, और उसका शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम अगर हो जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, यानी कि बॉडी में शुगर की कमी हो जाना, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कैल्शियम लेवल कम है तब यूज़ कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है, यानी कि पेशेंट कुछ खा पी नहीं पा रहा है, हॉस्पिटलाइज है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है मुँह से कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर लो पोटेशियम लेवल है तब भी यूज़ करते हैं, लो सोडियम लेवल है, या फिर बीपी लो रहता है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट मुँह से कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तब आईवी थेरेपी दी जाती है, जिसमें डीएनएस लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, डीएनएस में कौन से इंजेक्शन डालने चाहिए और कौन से नहीं डालने चाहिए। दोस्तों जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका इस्तेमाल डीएनएस में नहीं करना चाहिए, डीएनएस में नहीं डालना चाहिए, चाहे वो जेंटामाइसिन हो, चाहे वो सेप्ट्राजोन हो, या फिर सिपोपराजोन हो, एमिकासिन हो, इसका इस्तेमाल नहीं करना, डीएनएस में नहीं डालना है। बहुत से इंजेक्शन होते हैं जो रिएक्ट करते हैं डेक्सट्रोज के साथ में, इसीलिए कोई भी एंटीबायोटिक ना डालें। एमबीआई इसमें आप डाल सकते हैं, हमेशा डीएनएस में एमबीआई मिक्स करके डालिए। एसीलॉक भी आप डाल सकते हैं,
पेंटाप को ना डालें, इसको सीधे आपको वीगो में लगाना है, यानी कि जो कन्यूला लगाता है उसमें डालें। इमसिट को डाल सकते हैं, डेक्सा को भी डाल सकते हैं आप, एविल को भी डाल सकते हैं। तो ये इंजेक्शन होते हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, डेनिस में डाल सकते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं। और पेंटाप इसको नहीं लगाना चाहिए, इसको सीधे आईवी देना चाहिए। और बहुत से लोग होते हैं जो ये जो इंजेक्शन है इनको एक साथ मिक्स करके मरीज़ को लगा देते हैं, जितने भी ये इंजेक्शन हैं इनको मिक्स करके मरीज को लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंजेक्शन मिक्स करके लगाना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंजेक्शन हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको सारे इंजेक्शन नहीं मिक्स करने हैं, जो मैंने बताए वही इंजेक्शन मिक्स करके पेशेंट को एक टाइम पे लगाना है। तो आपको समझ में आया होगा डीएनएस में कौन से इंजेक्शन डाले जाते हैं, कौन से नहीं डाले जाते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।